ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलनेस ऑलरेडी मैंने इस पर चर्चा की है कि जो इंसान बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत बेहतरीन करना चाहता है, याद रखिएगा अर्निंग तभी स्टार्ट होगा जब लर्निंग प्रोसेस को आप बेहतर दिशा देंगे। याद रखिए पहले आपको सीखना है कि भैया मेरे मैंगो स्ट्रीम में क्या है, मेरे फ्रूट रूट बेरी चेरी लीफ की कॉम्पोजिशन में क्या मौजूद है, उसकी संरचनाएं क्या है, स्कूपस जनरल में क्या क्या चर्चाएं हुई है, कैसे डॉक्टर से मैं बात कर सकता हूँ, डॉक्टर को बताऊंगा तो डॉक्टर इसकी प्रामाणिकता को कैसे स्पष्ट रूप से एहसास करके अपने हृदय में समाहित करके लोगों को रेकमेंड करेंगे स्ट्रांगली, कैसे ये मेरी प्रोडक्ट दवाई या नहीं है, और कैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं, और कैसे मैं 100% किसी को ठीक करने की बातें कर सकता हूं लेकिन ये बता सकता हूं कि 100% इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, आपका क्षमता प्रबल कर सकता है। ये जब आप बताना सीख जाएंगे तो आपका काम आपका बहुत आसान हो जाता है। सो प्रोडक्ट आपको कि आपको किसी कीमत पे जिस दिन से किसी की भी टीम में आपकी ज्वाइनिंग होती है आपको 72 घंटे के अंदर प्रोडक्ट प्लान प्राण जाए पर प्रोडक्ट प्लान ना जाए, याद रखिए प्राण जाए पर प्रोडक्ट प्लान ना जाए। और जिसने प्रोडक्ट और प्लान बेहतर तरीके से नहीं सीखा है, जो आईने के सामने खड़ा होकर आधे घंटे तक लगातार नॉनस्टॉप बातें नहीं कर सकता है प्रोडक्ट और प्लान पे, जो 10-15 लोगों को संबोधित करने की क्षमता विकसित नहीं कर चुका है, चाहे वो कितना भी शर्मिला क्यों ना हो, कितना भी शर्मिला किस्म का क्यों ना हो, अगर उसने अपनी क्षमता को यहाँ पे विकसित नहीं किया, याद रखिएगा कि उसका गेम ओवर है। वो 640 सीसी का कोई भी सीसी करके बैठा रहेगा, वो कभी भी पैसे नहीं कमा पाएगा। यहाँ पे इस खेल में वही पैसे कमा सकता है जिसने जिम्मेदारियां कभी दी नहीं है, जिम्मेदारियां ली है। याद रखिए जिम्मेदारियों को कभी दिया नहीं जाता है, जिम्मेदारियों को लिया जाता है, और जिम्मेदारियों को लेने की क्षमता विकसित कर लेता है वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, और जो अनस्टॉपेबल हो जाता है फिर उसका मुकाबला सिर्फ उससे ही होता है। और जब किसी इंसान का मुकाबला सिर्फ उससे ही रह जाए तो फिर भाई चर्चा कहीं और नहीं कर सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, आपको लर्न प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। है ये बिल्कुल वही अपराध होगा जिसने बगैर सीखे 640 सीसी कर लिया, ये वही वाली हालत हो जाएगी कि बगैर लाइसेंस के डिलीवरी हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, मैं इशारों में बात करता हूं। ये एकदम जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है। इस अपराध से आपको मुक्त रहना है और बहुत बड़ा काम गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा गुस्ताखी हो जाएगा अगर आपने ये नहीं किया। और आपको सौगंध है आपके सपनों की, आपको सौगंध है आपकी फैमिली की। अगर आप सच में रेनेटस वेलनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे सिद्धांतों का अनुपालन करना पड़ेगा। सबसे पहला तो कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाब होने का। अगर कोई कहता हो कि मेरे पास ये फार्मूला है तो वो आपको साक्षात बेवकूफ बना रहा। आप कितने भी हद तक मोटिवेटेड हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, जुनून के साथ भरे हुए हो, लेकिन आप एक्साइटमेंट में बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं निपटा सकते। उसके लिए प्रोसेस का समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बहुत लोगों ने हवाई यात्रा की होगी, बहुत सारे लोग अभी फुकेट गए थे, बहुत सारे लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते रहते हैं, किसी किसी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। आपने इंडिगो, गो फर्स्ट, विस्टारा, स्पाइस जेट या एयर इंडिया में ट्रैवल किया होगा। आपने देखा होगा जब विमान आपकी 30-35 हजार फीट की ऊंचाई पर होती है, ऑल ऑफ सडन आपके दिल में एक अगर जुनून आ जाए, जरा इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करके आपके दिल में एक अरमान जग जाए कि यार मैं सुपर एक्साइटेड हूं और मेरा दोस्त पायलट है, और पायलट को जाके बोलते हो भाई यार तू तो बहुत बढ़िया फ्लाइट उड़ाता है यार, जहाज बहुत बेहतर तरीके से उड़ाता है, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज मैं भी जहाज उड़ा के दिखाऊंगा। आपकी एक्साइटमेंट कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, क्या आप जहाज उड़ा पाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, हेलो, कितनी भी भयानक मोटिवेशन है कि आप जहाज उड़ा पाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, नहीं उड़ा पाओगे। रीजन, आपने लर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं किया। लर्न प्रोसेस नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया मुझे किस दिशा में लेके जाना है, कहां रनवे है, कहां क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा। एन दबाना है या एल दबाना है, एल दबाना है या ओ दबाना है, फिर कैट दबाना है, समझ में नहीं आएगा, गेम ओवर हो जाएगा। खुद भी जाओगे और सबको लेके जाओगे, और बाद में कहोगे भैया विमान में कुछ कमियां थी या मुझे सिग्नल प्रॉपर नहीं मिला। याद रखना है, इस बात को हमेशा अपने जहन में भरना है और कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है आपको? मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशन के साथ, धैर्य के साथ अपने आप को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना भैया एसोसिएट से लेकर मैं किंग तक के प्लान को कैसे समझता हूँ, कितना मुझे आता है नहीं आता है, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप कनेक्ट करिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत आसान मिलती है, बहुत संयम मिलेगा। मैंने पहले ही बताया ओवरनाइट सक्सेस का खेल नहीं है। धैर्यतापूर्वक अगर आप अपना दृढ़ संकल्पित इरादे को अगर संभाल के रखेंगे, क्रोध को पी के रखेंगे, चुनौतियों का सामना बड़े मुस्कुरा कर करेंगे, तो कभी भी आपको हारने का कभी
दर्द नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगी कि भैया मेरे साथ में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे साथ में ये चुनौतियां आ रही हैं। और चुनौतियों का सामना विवाक अंदाज में आप करते हुए नजर आएंगे, और जिस वक्त आप विवाक अंदाज में करते हुए नजर आएंगे, जब आप अपने आईने में अपनी तस्वीर को निहारेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं एक ट्रू योद्धा हूं, एक रियल योद्धा हूं। और रियल योद्धा की परिभाषा यही है कि जब इंसान खुद की निगाहों में खुद का सम्मान कर पाता है तो असल में वो योद्धा है। दुनिया की निगाहों में आप कितने बेहतरीन है या कितने बेकार है इससे फर्क नहीं पड़ता, जब आप खुद की निगाहों में योद्धा है, इट मीन्स आप योद्धा है। याद रखिएगा, दुनिया को तो आप कभी भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुद को कहां से बेवकूफ बनाएंगे। और जिस दिन खुद को यकीन दिलाना आपने प्रारंभ कर दिया कि यू कैन मिस्टर पाठक, यू कैन, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझे अब उस मकाम तक जाने से रोक सके, अगर आपने खुद को ये यकीन दिलाना प्रारंभ कर दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता। आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि तेरे माँ के सपनों को तेरे को पूरा करना है, आज तक तूने निरर्थक जिंदगी जी है, तेरे को अपनी जिंदगी सार्थक तौर पर जीनी है। आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आज तक तूने अपनी पत्नी के अरमानों को पूरा नहीं किया, तेरे को अपने पत्नी और अपने बच्चों के अरमानों को पूरा करना पड़ेगा, ये तेरा फर्ज है। ये जिंदगी तेरे ऊपर उधार है परमात्मा की, तुझे उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। तेरे को समझना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जीने के लिए नहीं है, मेरी जिंदगी एक खास इंसान के लिए जीने के लिए है। तो अगर मैं आम हूं और आम तरीके की जिंदगी जीता आया हूं, तो मुझे खास बनने के लिए वही करना पड़ेगा जो औरों ने किया, और औरों ने त्याग किया है, औरों ने संयम रखा है, औरों ने दर्द झेला है। जिंदगी में बगैर दर्द की कामयाबी नहीं मिलती है, याद रखना ये प्रोसेस है। और बगैर प्रोसेस को समझे, एंड रिजल्ट पे कोई फोकस करेगा तो मुकाबले से बाहर हो जाएगा। इसलिए धैर्यतापूर्वक परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, विनम्र बने रहना है, नम्रतापूर्वक अपनी मनस्थिति को स्थिर रखना है। हजारों ने रिजेक्ट कर दिया फिर भी आपके चेहरे से कोई सुकून और मुस्कान ना छीन सके, ये बात याद रखना। असल जिंदगी के मायने यही है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, कोई आपके चेहरे से आपका मुस्कान ना छीन सके, कोई आपके चेहरे से आपका सुकून ना छीन सके। अगर ऐसा होना प्रारंभ हो गया तो आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हो। तो क्या मेरी बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही है आपको? धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर धैर्य के आप आगे नहीं समझ सकते। याद रखिए, हर परिस्थिति में बेहतरीन सुनने वाले की कहानी बहुत अटल रही है, बहुत प्रबल रही है। एक्टिव लिसनर, कुशल श्रोता कुशल वक्ता बहुत आसानी से बन सकता है। कुशल श्रोता महान से महानतम लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन कुशल वक्ता की गारंटी नहीं है कि महान से महानतम लेवल तक पहुंचेगा। श्रोता यानी कि सुनने वाला, गुड लिसनर 10 times ज्यादा बेटर होता है गुड स्पीकर से। याद रखिएगा, सुन के आप अपने ज्ञान के भंडार को बहुत बेहतर तरीके से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, या दुनिया का कोई भी खेल जो आज के डेट में संचालित हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्ति हो या किसी भी माध्यम से जो चार चांद लग रहे हैं, जहां से पैसे का फ्लो बना हुआ है, याद रखिएगा ये सिर्फ आज के डेट में गुड लिसनर एंड गुड स्पीकर का खेल बन गया है। अगर आज के दौर में आप एक बेहतरीन श्रोता नहीं है और अपने बेहतरीन कंटेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, और अगर आज के डेट में अपने शब्दों को, अपने बातों को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करने की क्षमता आप तक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप इस मार्केट से बहुत पीछे हैं और आप जरूरतों की जिंदगी में उलझे रह जाए। चाहतों की जिंदगी में आने के लिए पहले एक बेहतरीन श्रोता बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अपने विवेक से उसकी चिंतन करनी होगी। यानी कि चिंता से बहुत महत्वपूर्ण है चिंतन, चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करने के बाद आपको अपने एक्शनेबल पैटर्न को डेवलप करके उस पर एक्शन लेना पड़ेगा कि भैया मेरी क्षमता के अनुकूल मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूं। आपको पता है कि आप कैसे कर सकते हो, डिफेंसिव मोड में स्टार्ट कर सकते हो या अटैकिंग मोड में स्टार्ट कर सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑलवेज देखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरी क्षमताएं क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी प्रबल क्षमता कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको खुद पर यकीन ना हो कि यार मैं बेहतरीन स्पीकर हो सकता हूं, लेकिन बार 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 प्रैक्टिस कर करके अगर आपने ये एबिलिटी को डेवलप कर लिया तो आपको पता चलेगा यस आई एम गुड स्पीकर। आपको पता चलेगा कि मैं एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं, जिसमें मैं टीम को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं, बांध सकता हूं। मैं देखता हूं कि भैया व्हाट शुड आई डू, आई एम अनेबल टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ 5000 पीपल, 2000 पीपल, 100 पीपल, 250 पीपल टू स्पीक। तो आपको देखना है कि आपके साथ में कौन ऐसा बंदा है, आपके साथ में कौन सा ऐसा योद्धा है जिनको आप कनेक्ट करके बहुत बड़े पैमाने पे आप उन्हें लॉन्च कर सकते हो। तो एक बेहतरीन इवेंट को ऑर्गेनाइज करना भी एक लीडर की क्रिएटिविटी में शामिल होता है। आपको देखना है कि जो मेरी कमजोरी है वो मेरी ताकत कैसे बदल सकती है। हो सकता है कि आपकी बातों पे लोगों का ध्यान केंद्रित ना होता हो, लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच को आप कनेक्ट करके आप बहुत बड़े पैमाने पे अपने क्रिएटिव आइडिया से लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। हो सकता है आपको देखना है कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जहां से मेरे को रिस्पॉन्स मिले। आज के डेट में वो इंसान कभी कारगर नहीं है
आपको टीम में, अगर आपको देखना है कि मेरी टीम प्रोडक्टिव है या नहीं, तो उसको एक 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 मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, इसको ध्यान से समझिए और इसको फॉलो करिए जिंदगी। आइडिया ये है कि याद रखिए, टीम को आइडेंटिफाई करने का बहुत बेसिक तरीका है। जिस टीम को आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कॉल करते हैं और आप पूछते हैं, भाई हो के हो, तूने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, तेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तू मेरे को बता। और जो गाना गा रहा है, सर मैंने उसे भी कॉल किया, सर समझ में नहीं आ रहा, सर मैं प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो गाना गाता है और जो सिर्फ समस्याएं सुनाता है, मतलब समझ जाइए कि वो बंदा कभी भी प्रॉपर सक्रिय नहीं है, और सक्रिय भी है तो अभी भी उसकी सर्विसिंग बाकी है। तो आपको बेहतरीन मैकेनिक बन के उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी या सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। जो सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, जो क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो वो तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको सर्विसिंग करना नहीं आता तो आप खुद से तो कर नहीं सकते। तो आप देखना है कि बेहतरीन मैकेनिक कौन है मेरी टीम में, मेरे अपलाइन की श्रेणी में बेहतरीन मैकेनिक कौन है। क्योंकि जहां से भी आपको थोड़ा बहुत गाड़ी में धुआं दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रही, गाड़ी भट 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 कर रही है, स्टार्ट करने में स्टार्ट नहीं हो रही, जैसे ही आप किक मारने की कोशिश कर रहे हो, गाड़ी भट 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 करके बंद हो जा रही है, दो कदम चलने के बाद फिर से उसको ठेलना पड़ रहा है, तो आप समझ जाओ कि गाड़ी को बेहतरीन सर्विसिंग की जरूरत है। और सर्विसिंग कौन करेगा? बेहतरीन मैकेनिक करेगा। मैकेनिक कौन है भैया? आपका ग्रेट अपलाइन है। बेहतरीन मैकेनिक कौन है? आपका ग्रेट अपलाइन है। आप देखो कि मेरा ग्रेट अपलाइन में सबसे बेहतरीन में ये गाड़ी कौन सी और किस मैकेनिक को देना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, बहुत गौर से समझिए। एक ऐसा एग्जांपल है जो आपने जीवन में रेयरेस्ट केस में सुना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी स्क्रिप्टेड ट्रेनिंग डिलीवर नहीं करता, ये आपको भी पता है। मैं आंखें बंद करके हृदय से परमात्मा को याद करके मैं लगातार ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा होता हूं, इसलिए मेरी बात को ध्यान समझिए। गाड़ी मतलब अभी आप एक साधारण डाउनलाइन समझ लीजिए, जो बार बार बोलता है, सर मैंने 10 को प्लान दिखाया लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, सर मैं समझ नहीं आ रहा, सर मैं नौकरी छोड़ दिया है मैंने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सर मेरे घर भी चलाने मुश्किल हो रहा है, सर अगर 2-4 हजार रुपए मिल जाते तो बड़ी कृपा होती है, ऐसे ऐसे नमूने आपको लगातार मिलते रहेंगे, ये फैक्ट है। तो जैसे ही आपको इस तरीके के लोग मिलते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसका गाड़ी नंबर कौन सा है, ये गाड़ी किस किस्म की है, ये कावास्की का बॉक्सर तो नहीं है जो पुराने जमाने में आया करती थी, कहीं राजदूत तो नहीं है, कहीं चेतक बजाज तो नहीं है जो स्कूटर टाइप की होती थी। पहले चेक करिए कि भैया ये बंदा किस लेवल का है, चेक करिए कि कहीं हीरो होंडा का स्प्लेंडर तो नहीं है, हीरो का स्प्लेंडर जो पुराने जमाने में आया करता था, हीरो का पैशन तो नहीं है जो पुराने जमाने में आया करता था, चेक करते रहिए, कहीं टीवीएस की विक्टर तो नहीं है जो पुराने जमाने में आया करता था, चेक करते करते देखिए कहीं रॉयल एनफील्ड न्यू वाली तो नहीं है, चेक करते रहिए, इसका वर्जन चेक करिए, कहीं हायाबुसा तो नहीं है, चेक करते रहिए, वर्जन चेक करते रहिए, कहीं कावास्की निंजा तो नहीं है, चेक करते रहिए। जिस लेवल की गाड़ी मिलती है उस लेवल का खुराक, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे स्कूटर बनाने वाला मैकेनिक हायाबुसा नहीं खोल पाएगा, मेरी बातों से आप सहमत होंगे, मैं क्या कह रहा हूं, स्कूटर बनाने वाला मैकेनिक हायाबुसा नहीं खोल पाएगा। जैसे अचानक से छोटे छोटे ट्रॉमा आ जाते हैं लोगों के दिमाग में, छोटी छोटी समस्याएं आ जाती है, अब ऑल ऑफ सडन आप अपने डायरेक्टर 1000 को बैठा दोगे, वो नहीं कवर कर पाएगा। हो सकता है कि वहां पे आपको अपने रीजनल को या हो सकता है अपने एलाइट को बैठाने की जरूरत पड़े। तो आपको देखना है कि भैया बीमारी कौन सी है और उसको दवा कौन सी देनी, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ऐसे करके क्रिएटिविटी करते रहिए, आपको सतर्क रहना है। और अपनी टीम को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि जिनका कॉल आपके कॉल करने से पहले आए और वो अपनी उपस्थिति आपकी उपस्थिति से पहले दर्ज कराने की कोशिश करें, यानी कि वो आपका असली सोल्जर है, असली सिपाही है, उसको आप पहचान लीजिए और उसको दिल से प्यार करिए और उसका सम्मान करिए और उसकी कितनी मदद कर सकते हैं आप इसे ट्रैक करिए। ये एक दिन में पता नहीं चलेगा, 10-12 दिन जब आप एक्टिविटीज देखेंगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भैया कौन। हर विपरीत परिस्थिति में आपको मुस्कुराते रहना है, हर वक्त सकारात्मकता को आकर्षित करना है। जैसे मेरी माँ बहुत ही बुरे दौर से गुजरी है, लगातार 10 दिनों से 9 दिनों से अस्पताल में भर्ती होने के बाद चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी मैंने अपने चेहरे से मुस्कान को जाने नहीं दिया और उसका लाइव एग्जांपल मैं हूँ, पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर जो ये सकारात्मकता मौजूद थी, मैंने देखा कि परिस्थितियां बदल रही है, मैंने देखा कि परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। तो ये पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं फील करता हूँ कि भैया चलो मेरी माँ पहले की तरह ही मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, या पहले की तरह ही मुझे उसी तरीके से प्यार कर रही है जिस तरीके से वो प्यार करती थी, जिस तरीके से हंसती थी, खेलती थी, बात करती थी, उस तरीके से मेरे साथ में वो बातें कर रही है, तो मेरे को ये रिस्पॉन्स मिलता है। आप कितने भी विपरीत परिस्थिति में, अगर आप विपरीत परिस्थितियों को और ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप मुकाबले से बाहर हो सकता है कि कभी कभी 10-12 दिन तक आपका 1 cc का भी बिजनेस ना हो,
यानी कि एक पेस्ट भी कोई खरीदने वाला ना हो, फिर भी अगर सकारात्मकता को विद्यमान रखने की क्षमता आपके अंदर हृदय में मौजूद है तो आपको फिर मुकाबले से कोई बाहर नहीं कर सकता, वन साइडेड मुकाबला जीतता होगा। टाइमली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लगातार लोगों से बात करना, लगातार लोगों को कनेक्ट करना, लगातार लोगों के अंदर जोश बढ़ते रहना, देखना कि भैया मेरी टीम में कौन सा डायरेक्टर 250 है, मेरी टीम में कौन 100 है, मेरी टीम में आज नया एसोसिएट कौन आया। आपने देखा होगा कंपनी की तरफ से एक नया आईआरडी रजिस्टर्ड होता है तो कॉल जाता है, आपने नोटिस किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, जिनका एक रेड आईडी भी लग जाता है ना उनको कॉल जाता है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक रेड आईडी पे। तो आप इमेजिन करिए कि जब इतनी बड़ी कंपनी है जहां लाखों लोग एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं, अगर लाखों लोगों को कॉल जा सकता है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, तो आप तो भैया बहुत छोटे लेवल पे हैं। अगर आप 10 लाख भी कमाते हैं महीने में तो बहुत छोटे लेवल पे हैं साहब, अगर आप 20 लाख रुपए की भी आपकी पे आउट है ना तो बहुत छोटे लेवल पे है। कंपनी से सीखिए, रेनेटस वेलनेस से सीखिए, एक सिर्फ लाल आईडी रजिस्टर आईआरडी नंबर हुई ना तो उनको बताया जाता है कॉल करके कि भैया आप अपना केवाईसी अपडेट करो। क्या बताया जाता है? अपना केवाईसी अपडेट करो, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट से आप अपनी परचेसिंग कर सकते हैं। तो टाइमली कम्युनिकेशन आप क्यों नहीं कर सकते जो आपके पास ग्रीन आईडीज हैं, जितने लोगों ने आपका साथ दिया, जितने लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। याद रखिए, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, टाइमली कम्युनिकेशन। हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, डायरेक्टर 500 को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरी टीम में 20-25-50 ऐसे कौन लोग हैं जिनसे मैं रोजाना बात कर सकता हूँ। इतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप इतना भी टाइम नहीं देते हैं इट मीन्स यू आर चीटिंग। किसके साथ? खुद के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं आप। आप अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा। अरे भैया इतनी बड़ी कंपनी है, आईआरडी वालों को कॉल क्यों करना था? मेरी बात को समझ में आ रही है? आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी कंपनी है, एक लाल आईडी भी लग जाती है, उसको कॉल अगर किया जाता है कंपनी के एंड से, तो आप कितने बड़े सुरमा हैं कि आप डायरेक्टर 500 और 1000 तक में आप सारे लोगों को कवर नहीं कर सकते। डायरेक्टर 1000 तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी टीम में जितने लोग हैं वो सबको कॉल कर सकता है। दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने लोग आपकी टीम में है ना सबको आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो कल से आपका बिजनेस ना बढ़ जाए तो मैं अपना नाम बदल सकता हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने लोगों ने इसे इंप्लीमेंट किया इस फॉर्मूले को, वो कामयाब हो गए हैं। हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक लेवल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी टीम में कितने 1000 है, कितने 500 है, कितने 250 है, कितने 100 है, सबसे डेली आपको बात करना है। एक डेली सुबह पे शाम को बात करना है, क्या काम हुआ, क्या कमियां रह गई। करते ही नहीं है लोग, यही तो मार खा जाते हैं दुनिया में। कहीं मार खाए ना खाए, ये टाइमली कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप गेम से बाहर हो जाते हैं। कितने लोग ये करने के लिए तैयार हैं? हिंदी में लिखिए, साफ साफ लिखिए, हाँ सर मैं करूंगा, हाँ सर मैं करूंगा, हाँ सर मैं करूंगा, मैं करूंगा, यस सर आपको करना है, आप करेंगे, आप करेंगे। मुझे ये करना स्टार्ट करिए, बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा आपको। आप मुझे 4-5 दिन का फीडबैक बताएंगे कि आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। चैलेंजेस मैं बता रहा हूं आपको, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। रेनेटस वेलनेस नए लोगों को कॉल करने की एक क्षमता इसने अगर विकसित की है अपने एंड से, तो आप कर सकते हैं अपने साथ में। कम से कम अपने लोगों का ख्याल तो आप रख सकते हैं। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम को लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, टीम को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और टीम को वही संभाल सकता है जो सीखता हो, लगातार अपग्रेड करता हो, जिसके किताब कभी पलटते नहीं है, जो किताब को पलटने का आदी नहीं है, जो जिंदगी में खुद को अपग्रेड करने का आदी नहीं है ना, वो मुकाबले से बाहर हो जाता है, वो कभी भी नहीं जीत सकता। याद रखिए, जिंदगी में वही जीत सकता है जो रेगुलर बेसिस पर खुद को अपग्रेड करता है और टीम को बिल्ड करता है। टीम को वही बिल्ड करेगा जो सीखेगा, टीम को वही बिल्ड करेगा जो सीखेगा, चाहे वो लिख के सीखे या सुन के सीखे, जो डेली सीखेगा वही अपग्रेड कर पाएगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है। तुक्के में कभी कभी कामयाबी मिलती है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाओगे आप, याद रखना। कामयाब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। और उस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने का मायने है डेली सीखना पड़ेगा। आपको मैं एक बेहतरीन फार्मूला बताता हूँ डेली 20 पेजेस कॉन्सेप्ट का। अब आपको बताता हूँ, डेली जो भी आप सुनते हो, जो भी आप समझते हो, जो भी आप सीखते हो, जैसे मेरी ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर, या दिन भर में आपने किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की ट्रेनिंग को सुना है, कुछ भी आपने बेहतरीन सीखा है, जाना है, एहसास किया है, आपको डेली 20 पेजेस लिखने हैं। ये मैं फॉलो करता हूं। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है, और आप अपने नाम को मेरे नाम के साथ कनेक्ट करके फील कर सकते हैं। अगर मैं हर परिस्थिति में आज भी 20 पेजे लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस लेवल की ट्रेनिंग लानी है। रेनेटस वेलनेस को वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरा सपना है। रेनेटस वेलनेस में लोग बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं।
इसके लिए मेरा अपग्रेड होना जरूरी था, इसलिए मैं हर परिस्थिति में एवरीडे 20 पेजेस लिखता ही लिखता हूँ, जिसमें मैं 10 पेजेस सुबह में लिखता हूँ और 10 पेजेस शाम को लिखता हूँ। 10 पन्ने कभी भी मैं छोड़ता नहीं। अगर मैं फ्लाइट में कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ तो जो मेरे पास 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का टाइम बचता है, मैं उस वक्त भी लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि लिखने के बाद क्या है कि वो पुख्ता हो जाता है कि मुझे क्या करना है और मैंने क्या सीखा है। जो सीखा है अगर मैंने लिख लिया, अगर मेरी मनस्थिति में चीजें आ गई और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा। तो एक 20 पेजेस डेली फॉर्मूला, ये लिख लीजिए, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, टीम बिल्डिंग में बहुत काम आएगा। 20 पेज अगर आपने डेली लिखना स्टार्ट कर दिया और 20 पेज अगर आपने मुझे प्रमाणित करके दिखा दिया कि आपने सिर्फ 22 दिन तक लिख लिया है, कितना दिन, 22 दिन में आपका लेवल चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, 22 दिन में, 21 दिन में हैबिट को डेवलप होने में टाइम लगता है और 21 दिन और लगेगा आपका गेम चेंज होने में। टोटल 22 दिन, 2 to 4, यानी कि 22 दिन में आप मुकाबला में जीत जाओगे। 22 दिन इंटू 20 पेजेस आप कैलकुलेट करके देखिए, दिमाग पूरा हिल जाएगा आपका, करके देखिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और फ्लेक्सिबल हमेशा बने रहना, कभी अकड़ना नहीं है, अकड़ने वाले टूट जाते हैं, याद रखना है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करिए, हर इंसान का सम्मान कीजिए, आभार प्रकट करिए और जिंदगी भर कनेक्ट करके रखिए लोगों को। जब आप झुकना, मुड़ना और कनेक्ट करना सीख जाएंगे जिंदगी में, फिर आपको परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। और कभी भी रिस्क लेने से घबराना मत। क्या आज सोच रहे हैं कि 640cc मैंने कर लिया और सर नहीं बिका, तो भैया ऐसे भी जिंदगी के डॉट 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 हो रखे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला जिंदगी का। जैसे जिंदगी जी रहे हो क्या होगा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये नहीं तो क्या। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ भैया, ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, यहाँ नहीं तो कहाँ, ये 3 सवाल का जवाब मेरे को दे दो। ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हो, इतने वर्षों तक नौकरी ढूंढते रह गए। हेलो, आपसे ही बात कर रहा हूँ, इधर उधर मत देखो, आपसे ही बात कर रहा हूँ। इतने दिन हो गए ना, कितना बड़ा तीर मार लिया आपने, यकीनन मुझे नहीं देख पा रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। आप इधर उधर सर मत घुमाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पे 1,00,000 रुपये आप महीने का कमाएं। हेलो, डू यू हैव एनी चॉइस? बगैर निवेश किए आप 1,00,000 रुपये कमाने का सोच भी नहीं सकते, और निवेश करने के बाद भी गारंटी नहीं होगी कि आप 1,00,000 रुपये कमा पाएंगे। यहाँ पे 1 रुपये लगाना नहीं है भैया, अपना बिजनेस मॉड्यूल है जहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग आपके लिए मौजूद कराई गई है। मैं हाथ पकड़ के आपको चलाने के लिए तैयार हूँ, रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपको हाथ पकड़ के चलाने के लिए तैयार है। जिसने आपको बुलाया है बड़ा मोहब्बत करेगा वो आपको, क्योंकि आपका जीवन बदलेगा तो उसका भी जीवन बदलेगा। मिलके इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप बट टुगेदर वी आर इनोसेंट, ये याद रखिएगा। अकेले हम कुछ नहीं, लेकिन साथ मिलकर अगर आप लोग आगे बढ़ने का जिद उत्पन्न करते हैं ना, तो इतिहास रच देंगे। आपको इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ना है। सवाल यही था, मैं फिर से दोहराता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो आपने सुना होगा। आपसे पूछता हूं, यहां नहीं तो कहां, अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या, क्या आपके पास ऑप्शन है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? बस समझिए, आपको कहीं और चॉइसेस नहीं मिलेंगे। 4 साल में इसने इतिहास रख दिया है, रच दिया है और उसने खुद को प्रमाणित कर दिया है। रिस्क लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को बेहतरीन बनाते रहिए। मुकाबला ना था, ना है, ना कभी सदियों में होगा। तो मैं अमूमन इस लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता हूँ। थोड़ा फास्ट ट्रैक मेरा मेरी आवाज की फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली होती है, लेकिन इसको कवर करने की कोशिश करें। आप लोग लगातार कनेक्ट करते रहे, समझते